थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन, और आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आए उसके लिए भी बहुत थैंक्स। थैंक्स टू यू टू। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हर दिन आपकी हालत बिगड़ती चली जा रही है, और फिर भी आप अपना इलाज नहीं कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों आप अपनी बिना परवाह किए दूसरों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश होना तय हो जाता है ना, तो हम लोग खुद ब खुद गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। मतलब सर, मैं समझी नहीं। दरअसल कुछ साल पहले जब मैं एक बहुत फेमस बहुत नामी डॉक्टर था, तब डॉक्टर साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। हाँ, तो मैंने बोला था ना तेरे से कि 10 लाख रुपए का खर्चा है, तू लाया क्या? डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पताल में तो सरकार नियत करती है किडनी। तो करती होगी भाई, मैं नहीं करता, मैं कोई काम फ्री में नहीं करता, समझा? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से इतने पैसे लेके आऊंगा? मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। ओ भाई, गरीबों का ठेका मैंने ले रखा है क्या हैं? इसलिए जब तेरे पास पैसे हो तो अपनी माँ को ले आइए, इलाज कर देंगे। सर, आप गरीब के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुन, मैं ना गरीबों के साथ ऐसा ही करता हूँ, चल दफा यहाँ से। डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलिए। वो मैंने आपसे किडनी के लिए बात करी थी ना, उसका क्या हुआ? ओ हाँ सर, वो किडनी का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन खर्चा 15 लाख रुपए हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको 15 नहीं 20 देने को तैयार हूँ, बस आप ट्रीटमेंट चालू करवाइए जल्दी। बस सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप उनको कल सुबह ही ले आओ, प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं कल आता हूँ फिर। हाँ जी हाँ। ओ सुन, तू ना अपनी माँ को लेकर अब कहीं और चला जा, समझा? क्योंकि तेरी माँ के लिए जो किडनी अलाउड हुई थी ना, वो बेटा बिक चुकी, और 10 में नहीं 15 लाख में। डॉक्टर साहब, अरे अपने पति की तो इज्जत रखिए, अरे आपको भगवान का रूप कहा जाता है। डॉक्टर साहब, साहब, इसके चलते मैंने अपने लालच में आकर इतना कुछ जो गलत किया, उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया भी। मेरी हरकतों का मेरे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को पता लगा तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके ऊपर ये कि जब मेरी वाइफ को मेरी करतूतों का पता लगा तो उसने भी सही का साथ देने का फैसला किया, और हमेशा के लिए मेरा हाथ छोड़ के चली गई। तो सर, फिर आपने सही रास्ता चुनने का फैसला कब लिया? असल में मैंने एक डॉक्टर का फर्ज भूलकर, जो उसकी मानवता की कसम भूलकर, जितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, जो कुकर्म किए, मैं उसके लिए किसी माफी के लायक हूं नहीं। मुझे तो लगता है कि इतनी सजा मेरे लिए काफी नहीं थी, क्योंकि उसके कुछ ही टाइम बाद मुझे पता लगा कि मुझे ब्लड कैंसर है। What? और वो भी एडवांस स्टेज पर। मैंने भगवान की सजा को एक्सेप्ट किया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपना इलाज नहीं करूं। लेकिन मैंने गरीबों की, मजबूर लोगों का फ्री में इलाज करना शुरू कर दिया। इससे मेरे कर्मों का पूरा ना सही तो
कुछ तो पछता था, हो जाएगा। मैं आज आपके इस इंटरव्यू के जरिए लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो हमारे कर्म है ना, हमारा जो ये कर्मा है, ये कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता और हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ भी कुछ गलत मत कीजिए और हमेशा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम हर जरूरतमंद की यथाशक्ति यथासंभव उसकी मदद करें। शायद तभी हमारे जिंदगी का या हमारे जीने का मकसद पूरा हो सकता है। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर संजय। आज उनकी जिंदगी से हमने एक बहुत बड़ी सीख ली है। हमने जाना कि हमारी जिंदगी का असली मकसद अच्छे कर्म करना होना चाहिए, क्योंकि बुराई या बुरे कर्म कभी नहीं छिपते। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।